एशिया के 16 प्रमुख देशों के साथ सबसे बड़े समझौते RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से पीछे हट गया है। दरअसल भारत ने इस समझौते से पहले देश के हित में कई मुद्दे और चिंताएं सामने रखी थी, पर उसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद भारत इस समझौते से पीछे हट गया। भारत के इस डील से पीछे हटने के 5 बड़े कारण हैं। आइए जानते हैं कि वह 5 बड़े कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1, संरक्षण के मानक में कमी। देश में आयात के बढ़ने पर उसे चेक करने के लिए संरक्षण के कोई मानक नहीं है। इससे घरेलू हितों को काफी नुकसान पहुंचेगा, साथ ही मेक इन इंडिया पर भी असर पड़ेगा, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही चिंता जाहिर की थी। दूसरे नंबर पर है व्यापार घाटा। भारत का आयात अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है और निर्यात बेहद ही कम। ऐसे में भारत के इस डील पर हस्ताक्षर करने से चीन से आयात काफी बढ़ जाएगा, जिससे देश काफी घाटे में चला जाएगा। तीसरे नंबर पर है बेस ईयर पर भी भारत की आपत्ति। दूसरे देश 2014 के आधार पर वर्ष को बदलने के पक्ष में नहीं है, जिससे लेटेस्ट व्यापार शुल्क रिफ्लेक्ट हो सके। हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। नंबर 4, सेवाओं पर ध्यान नहीं। इस डील में सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, जबकि भारत ने इस पर काफी जोर दिया था। यदि डील के तहत सेवाओं पर ध्यान दिया जाता तो इससे और भी फायदा हो सकता था। नंबर 5 पर है नॉन टैरिफ बैरियर्स पर चिंताएं। इस डील में नॉन टैरिफ बैरियर्स पर कोई लेखा जोखा नहीं है। भारत ने आयात शुल्क बढ़ने की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। बाजार की पहुंच को लेकर कोई मजबूत भरोसा नहीं मिलना भी बड़ी वजह हो सकती है। तो यही वो 5 बड़े कारण हैं जिसे भारत RCEP डील से पीछे हट गया। आपको बता दें कि RCEP की कोशिश है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक स्थापित किया जाए, जिसमें ये 16 देश भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल रहे। लेकिन देश को नुकसान से बचाने के लिए भारत इस डील का हिस्सा नहीं बन रहा है। टीम खबर अपडेट।